दरिया का दर्द है सैलाब। जी हां, पाकिस्तान में बाढ़ से बर्बादी आई है तो हिंदुस्तान में भी बाढ़ से हाहाकार मचा है। वाराणसी से जो तस्वीरें आई वो वाकई डराने वाली है। उफनाई गंगा की वजह से कोहराम मचा हुआ है, सारे घाट डूब चुके हैं। छह तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, गंगा किनारे के इलाके देखिए किस तरह से डूब चुके हैं, जो बिल्कुल आपको नजर नहीं आ रहे होंगे, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। वाराणसी से आई इन छह तस्वीरों से वहां के हालात का अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं कि किस तरह से वहां के लोग संकट झेलने के लिए मजबूर हैं। गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गंगा किनारे के इलाके जो हैं, वहां जो सड़कें मौजूद हैं, वहां पर नाव चल रही है, प्रशासन अलर्ट मोड पर है, लगातार लोगों की मदद की जा रही है। जानकारी के मुताबिक वाराणसी में 17,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। सिर्फ शहर ही नहीं बल्कि गाँव में भी गंगा नदी ने तबाही मचाई है। अमित सिंह मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। अमित, इन छह तस्वीरों से बहुत आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह के हालात बने हुए हैं। इस वक्त आप खुद ऐसे हालात में हैं जहां वाकई से खौफनाक मंजर ही कहा जाएगा। अमित जी, हाँ बिल्कुल, सुबह में राहत भरी खबर थी वाराणसी वासियों के लिए, क्योंकि बताया जा रहा था, प्रशासन की तरफ से भी कहा गया था कि 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से वाटर लेवल गंगा का कम हो रहा है। कितना कम होता है वो देखने वाली बात होती है, लेकिन जिस तरीके से इस वक्त तेज बारिश हो रही है, तेज बारिश जब रुकेगी तब देखना होगा कि वाटर लेवल की स्थिति क्या है। देखिए, जहां पर मैं हूं इस वक्त, ये गंगा का किनारा नहीं है, कोई घाट का किनारा नहीं है, बल्कि ये सड़क था और यहाँ से 4-व्हीलर 2-व्हीलर जो लोग 80 घाट आए हुए हैं, विजिट किए हुए हैं, उन्हें अंदाजा हो जाएगा कि ये पूरी तरीके से ये सड़क है। जो दर्शक नहीं यहाँ पर पहुंचे उनको हम उनके लिए हम बता दें कि ये जो सड़क है ये 80 घाट की तरफ जा रहा है और ये 80 घाट का ये बाउंड्रीज है। यहाँ पर 4-व्हीलर पार्क किए जाते थे, ये जो सड़क है इस सड़क पर होटल्स हुआ करते थे, लेकिन फिलहाल बंद है। वाटर लेवल आप अंदाजा लगा सकते कि जहां भी मैं जितना अंदर घुसूं उतना ही वाटर लेवल और बढ़ता हुआ बढ़ रहा है। यहां पर सड़कों पर एनडीआरएफ की टीम यहां पर लगाई गई है रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए। यहां पर आप देख सकते हैं कि एनडीआरएफ के नाव है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम को यहीं पर पहुंचेंगे और इन्हीं नावों के जरिए वो जाएंगे अंदर, जायजा लेंगे कि किस तरीके से बाढ़ से प्रभावित हुए हैं जो गांव, उनका वो जायजा लेंगे। सीधे वो यहां से जाएंगे और सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजीपुर जाएंगे, गाजीपुर में जायजा लेने के बाद वाराणसी आएंगे। वाराणसी से पहली नजर में यही लगा कि आप हो सकता है कि घाट में मौजूद हो, लेकिन जैसा कि अमित यहां पर बता रहे हैं कि ये घाट नहीं बल्कि वो सड़क है जहां पर अब सन्नाटा पसरा हुआ है और दूर दूर तक आपको सिर्फ यही बर्बादी नजर आएगी क्योंकि सड़क जो है वो समंदर में तब्दील है। इस बीच आपसे अमित जानना चाहेंगे, क्योंकि वाराणसी में बताया जा रहा है कि 17,000 से ज्यादा लोग जो है वो बाढ़ प्रभावित है और साथ ही साथ जिले के 100 से ज्यादा गाँव जो है वो बाढ़ से प्रभावित है, क्या व्यवस्थाएं नजर आ रही है फिलहाल? देखिए, फिलहाल 130 गांव जो है वो बाढ़ से प्रभावित हैं, 20,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं, लेकिन यहाँ तारीफ करनी होगी कि प्रशासन की, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन हो, वो जो अधिकारी हैं वो बिल्कुल अलर्ट पे है। जहाँ से भी फोन आती है एनडीआरएफ की टीम के पास वो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जाते हैं। राहत सामग्री हर किसी तक पहुँचाया जा रहा है, प्रशासन के लोग पहुंचा रहे हैं, जो इलाके के जितने भी एसडीएम हैं, तहसीलदार हैं, वो अलर्ट पर हैं, वो 24/7 सड़कों पे हैं, जहां से भी कॉल आती है वो तुरंत वहां के लिए रवाना हो जाते हैं। एक राहत शिविर भी बनाई गई है जहां पर लोगों को जो प्रभावित गांव है, जैसे 130 गांव से तकरीबन 130 गांव के आसपास प्रभावित गांव है। हमें देखिए किस तरह से ग्राउंड जीरो से ये पूरी तस्वीर दिखा रहे हैं, बाकायदा बता रहे हैं कि किस तरह से सड़क जो है वो अब तालाब में तब्दील हो चुकी है। अब आपको गंगा नदी के घाटों का भी हाल दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह से गंगा के घाट जो है वो डूब चुके हैं। गंगा नदी का पानी अब घाट के ऊपर भी आ गया है, सड़कों तक पहुंच गया है, कमर तक पानी किस तरह से पहुंच चुका है। लोगों की दुकानें जो है वो पूरी तरह से डूबी नजर आ रही है। तस्दीक करती हुई ये तस्वीर भी आप देख लीजिए, 80 घाट पर जहां आरती होती थी वो जगह डूब चुकी है, दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है, कहीं कहीं कमर तक पानी आ चुका है, चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। भारी बारिश के चलते देखिए किस तरह से वाराणसी में इस वक्त बर्बादी से भरी ये तस्वीरें सामने आ रही है। काशी का हाल जो है वो फिलहाल बेहाल नजर आ रहा है, क्योंकि गंगा किनारे के इलाके जो हैं वो पानी पानी हो चुके हैं, गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है जिसके चलते दिक्कतें भी बढ़ रही हैं। इसलिए दरिया का दर्द सैलाब ये नजर आता है। सैलाब की चपेट में देखिए इस वक्त कई गांव आ चुके हैं।
वाराणसी वासियों के लिए राहत की खबर है क्योंकि गंगा का जल स्तर लगातार कम हो रहा है। बीते कल से कम हो रहा है और आज 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से गंगा का जल स्तर कम हो रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं 80 घाट पर, प्रसिद्ध 80 घाट पर, और आप देख सकते हैं 80 घाट के बाहर जो सड़क है उस सड़क पर इस वक्त गंगा का जल स्तर किस तरीके से बढ़ने से अभी भी यहाँ पर जल भराव की स्थिति बनी हुई है। हालांकि राहत की खबर है कि 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से गंगा का जल स्तर कम हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से गंगा उफान पड़ती और गंगा का जलस्तर अंदर शहर के तरफ बढ़ने लगा, और ये जो आप लोकेशन देख पा रहे हैं ये 80 घाट के बाहर का सड़क है। 80 घाट पूरी तरीके से गंगा के बढ़ते जलस्तर में समा गया, 80 घाट दिख नहीं रहा है, लेकिन ये बाहर के सड़कों का ये हाल है। तो फिलहाल प्रशासन के जो अधिकारी हैं, प्रशासन की तरफ से NDRF की टीमें लगाई गई हैं जगह जगह पर 5 किलोमीटर के रेडियस में, जो रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है और तमाम जो जरूरत के सामान हैं वो पहुंचा रही हैं लोगों तक। प्रशासन के अधिकारी 24/7 अलर्ट पर है। अच्छी खबर वाराणसी वासियों के लिए ये है कि 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से गंगा का जलस्तर कम हो रहा है। और वाराणसी में गंगा किनारे के इलाके डूबने लगे हैं। वहां की एक कॉलोनी का हाल आपको दिखाने जा रहे हैं जहां करीब 4 फीट तक पानी भरा है। चारों तरफ ऐसा लग रहा है मानो कोई तालाब हो। देखिए तस्वीर इस वक्त आपके सामने, चारों तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ भारी बारिश के चलते पानी ही पानी नजर आएगा। यह सन्नाटा नजर आएगा जहां पर जिंदगियां सहमी हुई हैं, और इसके पीछे की वजह यही है कि ना बाहर निकला जा सकता है ना अंदर सुकून से रहा जा सकता है, क्योंकि कई दुकान डूबे हुए हैं, कई घर डूबे हुए हैं। और देखिए ये ऊपरी हिस्सा आपको नजर आ रहा होगा, पूरी तरह से ये खामोशी भरा सन्नाटा इसलिए है क्योंकि बाहर निकलने की कोई गुंजाइश ही नहीं बची है। चारों तरफ बर्बादी वाली बारिश का वो कहर बरपा है जिसके चलते घाट तो डूबे हैं ही, साथ ही घाटों से पानी बाहर इस कदर आ गया है कि सड़कें पूरी तरह से गुम हो चुकी हैं। बारिश और बाढ़ से सिर्फ पाकिस्तान में ही बर्बादी नहीं आई बल्कि हिंदुस्तान में भी कुदरत का कहर जारी है। अभी भी देश के कई राज्य बाढ़ का कहर झेलने के लिए मजबूर है, बाढ़ से बेहाल हो चुके हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से लेकर पश्चिम तक आसमानी आफत से जुड़ी ये तस्वीरें देखिए इस वक्त आपके सामने। 4 राज्यों की ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है, कैसे उफनती दरिया ने निचले इलाकों में कोहराम मचाया। दरअसल सबसे ज्यादा जो दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं वो निचले इलाकों में रहने वाले उन लोगों को झेलनी पड़ती है जहां पर जल स्तर बढ़ते ही उन पर कहर बरतता है, उनके आशियाने डूबने लगते हैं। इसलिए सबसे पहले प्रशासन की तरफ से और संबंधित विभाग की तरफ से अलर्ट किया जाता है कि निचले इलाकों में रह रहे लोगों को फौरन राहत कैंपों की तरफ, सुरक्षित जगहों की तरफ जाना चाहिए। हालांकि सबके पास ये जरिया नहीं होता, लेकिन पलायन की तस्वीरें भी कुछ इस तरह से सामने आती हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और केरल की ये 4 तस्वीरें जो बर्बादी वाली बारिश की तस्दीक करती हुई दिखाई देती हैं। और देश में जगह जगह बाढ़ की स्थिति किस तरह से बनी हुई है हर एक तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। और एक तस्वीर पश्चिम बंगाल से भी सामने आई जहां सिलीगुड़ी में पिछले 24 घंटे भारी बारिश की वजह से कई इलाके देखिए किस तरह से डूब गए हैं। महानंदा नदी उफान पर है जिसका पानी निचले इलाकों में कहर बरपा रहा है। सिलीगुड़ी के कई हिस्सों में बाढ़ का खतरा अभी भी बरकरार है। पश्चिम बंगाल के कई हिस्से इस वक्त भारी बारिश और बाढ़ की चपेट में है जो बर्बादी झेलने को मजबूर है, जिनमें सिलीगुड़ी भी एक है। देखिए सिलीगुड़ी में भी आपको दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ बर्बादी वाली बारिश के ये निशान नजर आएंगे। और अब आपको देश के 6 जिलों की भी तस्वीरें दिखाने जाते हैं जहां बाढ़ से तबाही का खौफनाक दर्दनाक मंजर दिखाई दे रहा है। राजस्थान के धौलपुर में सड़क पर सैलाब उमड़ आया तो पटना में उफनती गंगा ने घाटों को किस तरह से डुबो दिया। देखिए निचले इलाकों में गंगा नदी का पानी घुसने लगा है, तो वहीं भागलपुर में भी कमोवेश यही हालात नजर आ रहे हैं। मुंगेर की तस्वीर भी आपके सामने, निचले इलाके डूब चुके हैं। वहीं गंगा के जल से मिर्जापुर में भी तबाही आई है, मिर्जापुर के कई इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। वहीं सहारनपुर में भी देखिए उफनती नदी में कुछ लड़के जान जोखिम में डालकर स्टंट करते नजर आ रहे हैं, और लगातार ये कितना खतरनाक साबित होता है और होता आ रहा है क्योंकि इस तरह का स्टंट उफान भरी नदियों में करना वाकई बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन उफनते दरिया में सब कुछ इस वक्त डूबा डूबा ही आपको नजर आ रहा होगा। सड़कें नजर नहीं आ रही होंगी, वो तस्वीरें नजर नहीं आ रही होंगी,
जो कुछ वक्त पहले तक बिल्कुल साफ थी, लेकिन भारी बारिश के चलते, बाढ़ के चलते वो बर्बादी यहां पर सामने आई है, जिसका कहर झेलने के लिए इंसानी जिंदगी फिलहाल मजबूर है। चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ मुसीबतों का वो पहाड़ नजर आता है। और कुछ ऐसी ही तस्वीर राजस्थान के धौलपुर से भी सामने आई, जहां भारी बारिश ने लोगों की मुसीबतों को कई गुना बढ़ा दिया है। मुसीबतों का पहाड़ उनके सामने टूट पड़ा है। लगातार हो रही बारिश से देखिए सड़कें किस तरह से लबालब हो गई हैं। चंद घंटे की बारिश ने शहर को पानी पानी कर दिया, सड़कें दरिया में तब्दील हो गई। दरिया का दर्द सैलाब यहां भी नजर आ रहा है राजस्थान के धौलपुर में। लोगों की आवाजाही पूरी तरह से ठप नजर आ रही है, इक्का दुक्का लोग नजर आ रहे होंगे। शहर के निचले इलाकों का रुख करें तो पानी लोगों के घरों तक पहुंच गया है, जिसकी वजह से आशियाने उनके डूबे डूबे नजर आ रहे हैं। इक्का दुक्का जो दुकानें लगी हैं वो भी पूरी तरह से डूबी नजर आ रही है, और जो वाहन बाहर हैं उन्हें भी तमाम मुसीबतों का सामना करते हुए आगे बढ़ना पड़ रहा है। और बिहार की तरफ भी रुख कर लेते हैं, जहां पटना में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसके बाद हालात गंभीर होते जा रहे हैं। गंगा के ज्यादातर घाट डूब गए हैं, वहीं गंगा पाथवे पर भी बाढ़ का पानी देखिए किस तरह से नजर आ रहा होगा। पटना के ये हालात हैं आपके सामने। गंगा के तेज बहाव में कई जगह जो सड़कें हैं वो टूट गई हैं, लेकिन पानी के तेज बहाव में लोग चलने को अब भी मजबूर हैं। रोजमर्रा के काम के सिलसिले में उन्हें निकलना पड़ रहा है। हालांकि कुछ बच्चे भी नजर आए, कुछ युवा भी नजर आए, जो फिलहाल मस्ती कर रहे हैं। ये मस्ती खतरनाक भी साबित हो सकती है, इसलिए इस मद्देनजर भी ध्यान देने की जरूरत है। मोटरसाइकिल ट्रैक्टर में रास्ता पार करते हुए लोग भी नजर आ रहे हैं। हालांकि कभी भी बड़े बड़े हादसे यहां पर हो सकते हैं, और इसके पीछे की वजह यह है कि सड़कें जो हैं वो गली हुई नजर आती हैं, सड़कें दिखाई नहीं देती हैं। कई बार होल होता है, जो कि हादसे का सबसे बड़ा की वजह बनती है। शहर के कई इलाकों में पानी किस तरह से भर गया है ये देखिए, परेशानी बढ़ गई है, लेकिन मजबूरन कई लोगों को अब भी घर से बाहर निकलना पड़ रहा है। और कुछ इसी तरह की तस्वीर बिहार के भागलपुर से भी सामने आई, जहां पर भागलपुर में भारी बारिश के बाद गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, और शहर के आसपास के कई इलाकों में सैलाब ने तबाही मचा दी है। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ने से शहर के आसपास के कई गांव डूब गए। बाढ़ के पानी ने सब कुछ खत्म कर दिया, लोगों के घरों में 5 फीट पानी भर गया है। ग्रामीण अपने अपने घरों के आगे या आसपास के मचान में रहने के लिए किस तरह से मजबूर है देखिए, बेबसी भरी ये तस्वीरें यहाँ पर सामने आती हैं, जहां पर उनकी मेहनत पर पानी फिर चुका है, जहां फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं। बेजुबान भी देखिए किस तरह से बेबसी भरी जिंदगी जीने को मजबूर नजर आते हैं। न सिर्फ पटना बल्कि भागलपुर में भी भारी बारिश ने जमकर कहर बरपाया है, और इस कहर से जूझने के लिए लोग मचान बनाकर ऊपर बैठे हुए हैं, जहां पर कभी भी किसी भी तरह का हादसा हो सकता है। जरूरी है इन तक पूरी तरह मदद पहुंचे। और उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की तरफ भी बढ़ते हैं, जहां गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है, और इसकी वजह से शहर के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मिर्जापुर में गंगा किनारे जहां तक आपकी नजर जाएगी, पानी ही पानी आपको दिखाई देगा। कई इलाकों में बर्बादी वाली बारिश ने बाढ़ जैसे हालात तक बना दिए। खेत खलियान सब कुछ आपको पानी की जद में नजर आएगा। किसानों की 200 बीघा फसल पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। अब किसान सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। कई गांव का एक दूसरे से संपर्क टूट गया है, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने के लिए नाव तक का सहारा लेना पड़ रहा है, क्योंकि मजबूरी ऐसी है कि घर से बाहर निकलना भी जरूरी है। ऐसे में मुसीबतों का पहाड़ यहाँ पर टूट पड़ा है। ये वो चुनौतियां हैं जिनका सामना करते हुए कई ऐसे लोग हैं जिन्हें निकलना पड़ ही रहा है। यूपी के मिर्जापुर की तस्वीर इस बात की तस्दीक करती है कि किस तरह से भारी बारिश ने तस्वीर बदल दी है, और तस्वीर जिस तरह से बदली है, तकदीर में सिर्फ और सिर्फ बर्बादी लिखी नजर आ रही है। और आइए अब आपको देश के 6 जिलों की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां भारी बारिश बाढ़ से सिर्फ और सिर्फ आपको तबाही की यह तस्वीर नजर आएगी। राजस्थान के धौलपुर में देखिए सड़कों पर सैलाब उमड़ा है। पटना में उफनती गंगा ने घाटों को डुबो दिया है। निचले इलाकों में गंगा नदी का पानी घुसने लगा है। वहीं भागलपुर में भी कमोवेश यही हालत है। मुंगेर में भी निचले इलाके आपको सिर्फ डूबे नजर आ रहे होंगे, दिखाई ही नहीं दे रहे होंगे। गंगा के पानी से मिर्जापुर में भी कुछ तरह से जिंदगी बेबस नजर आ रही है। मिर्जापुर में कई इलाके डूब चुके हैं। सहारनपुर में उफनती नदी में कुछ लड़के देखिए जान जोखिम में डालकर स्टंट करते हुए भी नजर आ रहे हैं, जो कभी भी खतरनाक साबित हो सकता है। इंडिया का प्राइड, मेरा प्राइड, वीकेसी प्राइड, कड़ी मेहनत का जश्न मनाइए।
विधायकों को फोन के जरिए ऑफर देने के केजरीवाल के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार, कहा एलजी को लिखी चिट्ठी, मामले की हो फॉरेंसिक जांच। फॉरेंसिक जांच हो ऐसा हम सभी ने माननीय एलजी साहब को पत्र लिखा है। गौ तस्करी मामले में पश्चिम बंगाल के वीरभूम में सीबीआई की छापेमारी, जेल में बंद टीएमसी नेता अनुब्रत मंडल से पूछताछ के बाद एक्शन, करीबियों से भी पूछताछ। एशिया कप में आज भारत की हांगकांग से टक्कर, शाम 7:30 बजे दुबई में होगा मुकाबला, जीतने पर सुपर फोर में पहुंचेगी टीम इंडिया। चैनल जो है आपके भरोसे पर खरा उतरने में नंबर वन, सच की राह पर चलने में आपके लिए, लड़ने में नंबर वन, आपकी आवाज बनने में, जिसके पास है एंकर की टीम नंबर 1, जो है राजनीति के खेल से लेकर खेल की कवरेज में नंबर 1।